तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वेस्ट बंगाल का जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का आपका जो एग्जाम है जो 14 तारीख को शेड्यूल है, ठीक है, 14 एंड 15 जो डेट है आपके लिए, यहाँ पे हम लोग उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग एक मॉक टेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। और ये मॉक टेस्ट आपका डेली रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कवर करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जनरल एप्टीट्यूड और जो आपका इंग्लिश है 15 क्वेश्चंस, वो एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये बेस्ड रहेगा आपका जो 2018 के अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर रहने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप भी साथ में क्या करें, इसको सॉल्व करते रहें। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, डीआई से बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमको एक बार चार्ट में दे रखा है। यहाँ पे हमें देख सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है और ईयर्स दे रखे हैं। और यहाँ पे आपको दे रखा है रुपीज में, आपको ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा हुआ है परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ एक्स फ्रॉम 2014-15 टू 2015-16 आपको निकालना है। और ये आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये हमारे पास क्या है, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप अगर देखोगे थोड़ा सा इसको, मैं अगर जूम करूं, ये देखिए, ठीक है, आपको एक चीज दिखाई दे रही है, वो ये दिख रहा है कि अगर ये 500 है, ये 600 होगा, ये 700 होगा, ये 800 है, ये 9 है, और फिर ये 1000 है। मतलब क्या है, हर एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हर एक लाइन यहाँ पे 100 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2014 और 15 की यहाँ पे बात करी गई थी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 2014 में, 2014 कहाँ पे, ये वाला पोर्शन मेरा 2014-15 है। यहाँ पे कितना है एक्सपोर्ट हुआ है, 900 हुआ है, ठीक है, ये नीचे है 1000 के। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 2014-15 में जो एक्सपोर्ट हुआ है वो कितना हुआ है, 900 रुपीज करोड़ का हुआ है। और 2015-16 में जो यहाँ पे इम्पोर्ट हुआ है, ठीक है, इम्पोर्ट है, ठीक, वो कितना हुआ है, यहाँ पे देखो कितना बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 200 बड़ा है। तो 2015-16 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इम्पोर्ट हुआ है वो कितना हुआ है, 1200 हुआ है। ये बात क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखो कि कितना यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो आप कहोगे सर ये इंक्रीज हो गया 300 हो गया। हमसे पूछा है परसेंट इंक्रीज बताइए, तो परसेंट इंक्रीज निकालने का तरीका क्या है, कितना इंक्रीज हुआ है, 300 हुआ है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, पुराने वाले डाटा से। पुराना वाला कितना है, 900 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो ये 3 टाइम चला जाएगा और 100/3 कितना हो गया, 33.33%। और ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन ये जो है समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। और ये क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे क्या है, यहाँ पे किस किस की वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे cot 30। तो cot 30 हम लोगों क्या होता है, ये होता है हमारे पास √3, ठीक है, टेन का, टेन थर्टी का बिल्कुल उल्टा होता है। फिर cos 60 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। sin 45 कितना होता है हमारे पास, 1/√2। फिर कितना होता है, cot 45 की रिक्वायरमेंट है, cot 45 कितना हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, cosec 45, ये कितना है, √2 है। और sec 45 भी हमारे पास √2 होता है। तो हमने सब वैल्यूज निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, और इसको मैंने मान लिया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, a/b × c, हमें बस इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a को सॉल्व करते हैं। तो देखो a में क्या रखा हुआ है, 5 cot² 30। cot² 30 कितना है, यहाँ पे √3 का स्क्वायर −2 × cos² 60, ये कितना है, 1/2। तो cos² 60 मतलब यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर और माइनस का 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 × 3 = 15 −1/4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/4, तो ये कितना आएगा मेरे पास, 1/2 −3, और ये कितना हो गया, 12
माइनस वन अपॉन टू जो कितना निकल के आया, 23 अपॉन टू निकल के आया। हमने ए निकाल लिया, हम लोग क्या करते हैं बी को निकालते हैं। यहाँ पे बी कितना है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 sin² 45। साइन स्क्वायर 45 वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर प्लस का कॉट स्क्वायर 45, और 45 कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कॉट 45 मतलब 1 का स्क्वायर, तो 2 अप इंटू 1 अपॉन 2 कट जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया, बी कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, सी को और निकाल लेते हैं। सी कितना है, कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक स्क्वायर 45 रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर 45 ये कितना हो गया, रूट 2 मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो आपने ए बी सी निकाल लिए, अब हमने क्या करना है इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो हम क्या करते हैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू सी। ए कितना है यहाँ पे, ए हमारे पास है 23 डिवाइडेड बाई 2, बी कितना है नीचे 1 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 से ये 4 कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से 23। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से, हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें हैं। देखो जो अमित है वो क्या करता है, 20 लीटर ऑफ ऑयल जो उसका दाम है वो 75 रुपए पर लीटर है। मतलब क्या है कि हमारे पास 20 लीटर तेल लेके आना है जिसका दाम कितना है यहाँ पे 75 रुपए प्रति लीटर है, यही बोल सकते हैं। फिर वो सेम अमाउंट ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 150, मतलब आप एक और क्वांटिटी लेके आते हो और सेम क्वांटिटी लेके आते हो और उसका जो प्राइस है वो 115 रुपीज पर लीटर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपके पास एक कॉस्ट प्राइस है जो आप लेके आ रहे हो, यहाँ पे भी क्या है कॉस्ट प्राइस है जो आप लेके आ रहे हो। तो हम एक काम करते हैं कि टोटल देखें कितना पैसा लगा होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखो भाई 20 रुपए का सामान, 20 सामान लेके आ रहे हो 75 रुपए के हिसाब से लेके आ रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा 20 × 75, ये आपके पास क्या आएगा रुपीज आ गए। इस वाले की बात करते हैं, 20 लीटर लेके आना है और 115 रुपीज का लेके आना है, हमें क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 20 तो कॉमन आ गया, 75 प्लस 115, ये 20 × 115 मतलब 190, और ये आपके पास कितना निकलेगा 3800। तो 3800 रुपीज क्या आया आपके पास, टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आया। ठीक है, अब आप देखो क्या कर रहे हो, जो मिक्सर आपने बनाया, अब अगर मिक्स करते हो भी 20 और 20 को आप जब मिक्स करोगे तो कितना बन जाएगा, ये आपका 40 बन जाएगा। इसका मतलब 40 लीटर का जो मिक्सर तैयार किया है इसको आप किस रेट से सोल्ड कर रहे हो, 100 रुपए के हिसाब से सो कर रहे हो, तो 100 रुपए लीटर के हिसाब से क्या कर रहे हो उसको सेल कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा 4000 रुपीज के हिसाब से आपका सेलिंग प्राइस जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस भी है सेलिंग प्राइस भी है, अब आपसे पूछा है प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट क्या होता है जो डिफरेंस आता है एसपी और सीपी का, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास 4000 में से आप कितना घटा दो 3800 रुपए निकाल दो तो कितना जाएगा 200 रुपया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज 200 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये एक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, अगर आप इसको समझ पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखो कोई चीज क्या है, अगर आपके पास 1% से इंक्रीज हो रही है और कोई चीज क्या हो रहा है वही चीज, ठीक है, आपने क्या किया किसी, सपोज करो आपके पास क्या है एक एक्स वैल्यू, आपने उसको पहले 1% से इंक्रीज किया, फिर उसके बाद क्या किया आपने उसको 20% से इंक्रीज किया, तो ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, ये इस तरीके से हो गया जैसे आप देखते हो ना कि आप मॉल में जाते हो तो आपको मिलता है पहले 20% प्लस 10% डिस्काउंट, इस तरीके से लिखा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 30% हो गया, इसका मतलब कुछ और होता है, तो वो क्या चीज होती है वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई चीज क्या है भी सक्सेसिव, ये कंसेप्ट है सक्सेसिव का, तो अगर ए से बढ़ रही है फिर बी परसेंट से बढ़ रही है वही चीज, तो इसका सिंपल से एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, ये आप क्या रखें इसको ध्यान रखें, बहुत सिंपल सा है, ये आप कर पाओगे और ये क्या हो जाएगा आपके पास ओवरऑल क्या निकल जाता है, एक ओवरऑल अमाउंट में इंक्रीमेंट निकल जाता है अगर इंक्रीज का है।
अगर यही केस होता कि भी एक वैल्यू आपकी प्लस की है और एक वैल्यू क्या है माइनस की है, तो बस आप साइन के साथ वैल्यू रख सकते हो। अब हम लोग इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन में, इसमें इसका कैसे यूज करूंगा। देखो एक नंबर है जो पहले क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है 15% से, उसके बाद क्या हो रहा है वो नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 15% से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपको रिजल्ट मिल रहा है 782। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक नंबर है जो पहले 15 नंबर से इंक्रीज करता है, फिर मेरे पास वो नंबर 15% से डिक्रीज करता है। तो अभी मैंने बोला कि जब कोई नंबर लगातार इंक्रीज फिर डिक्रीज या फिर इंक्रीज इंक्रीज करता है, तो उसमें कौन सा कंसेप्ट लगता है, ये वाला कंसेप्ट लगता है। तो इसमें लगा देते हैं, तो हम नंबर निकाल लेते हैं पहले। तो देखो ए प्लस का बी, तो मैंने कहा था साइन है तो साइन के साथ लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या है यहाँ पे ए इंटू बी 15, लेकिन यहाँ पे माइनस का 15 है तो वो ऐसा लिखा जाएगा अपॉन में 100, तो ये कट जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2.25%, ठीक है ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, नेट इफेक्ट मिल गया कि कितना परसेंटेज उसका रहा। तो कोई चीज पहले 15% से आप क्या करते हो बढ़ाते हो और 15% से फिर कम करते हो, तो वो ओवरऑल क्या होती है वो 2.25% से डिक्रीज होती है ना, माइनस कैश हो कर रहा है डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एक नंबर था जो इतने नंबर से डिक्रीज हुआ, मतलब वो नंबर कितना रह गया होगा। तो कोई चीज क्या होती है 100% होती है, तो 100 में से आप क्या करो 2.25 घटा दो तो कितना निकल जाएगा 97.75। तो उस नंबर का 97.75% 100 से लिख देता हूं, ये कितना है हमारे पास 782 हो जाता है, यही तो क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखो n की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, 982 डिवाइडेड बाई 97.72 इंटू 100, तो ये आपके पास पूरा पूरा 8 टाइम चला जाएगा, तो ये हमारे पास 800 निकल जाएगा। मतलब जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर क्या है हमारे पास 800 आ गया है। अब फर्दर आपसे क्या बोलता है, फर्दर आपसे बोलता है कि हम क्या करें उस नंबर को पहले 25% से डिक्रीज करें, फिर हम उस नंबर को 25% से इंक्रीज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको रिड्यूस करते हैं फिर से। देखो एक चीज आप समझिए, उसी में समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई चीज क्या है 25% से बढ़ रही है तो आप बस इसका फ्रैक्शन लिखोगे, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, ये कितनी बार चला जाएगा 1/4, मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक नंबर है जो है उसकी वैल्यू है कितनी 4, उसको आपको 25% क्या करना है इंक्रीज करना है, तो जब आप 4 का 25% निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इंक्रीज करूंगा तो वो वैल्यू 4 से कितनी बन चुकी होगी 5 बन चुकी होगी, ये बात समझ में आ रही है। 4 वाली वैल्यू अगर आप 25% से बढ़ाते हो तो वो कितनी बन चुकी है 5 बन चुकी है। अगर मैं उल्टा बोलूं कि कोई वैल्यू क्या हो रही है 25% से कम हो रही है, तो क्या करोगे ये 1/4 हो जाएगा। मतलब अगर वैल्यू मेरे पास 4 थी और 25% से अगर घट रही है तो वो कितनी हो चुकी है 4 माइनस ये जो न्यूमरेटर लिखा है 3 हो जाएगी, ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई वैल्यू 20% से बढ़ रही है तो 20% का मतलब कितना हुआ 1/5 हुआ, बढ़ रही है तो प्लस लगाओ। मतलब अगर वो वैल्यू 5 थी और 5 का 20% निकालोगे तो कितना निकलेगा 1, तो 5 से क्या हो जाएगी 1 बढ़ जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा 6। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो इसी का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ लिखा है 800, ठीक है, क्योंकि उस नंबर का हमें क्या निकालना है, पहले वो रिड्यूस हो रहा है 25% से, अगर 25% से रिड्यूस हो रहा है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है, तो पहले रिड्यूस हो रहा है तो माइनस का, तो कितना बच गया 3/4 बन गया, फिर क्या हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है 25% से, क्या हो जाएगा अब ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस का, मतलब 5/4 हो जाएगा। फिर फर्दर क्या होगा वो रिड्यूस हो रहा है ये न वाला नंबर, जो नंबर नया बन के आया उसको रिड्यूस कर दिया गया 20% से, तो 20% का मतलब 1/5 और रिड्यूस हो गया तो 4/5। अब आपके पास ये कैलकुलेशन लगेगा, इसको आपको सॉल्व करना रह गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 से ये 200 टाइम चला गया, तो आपके पास वो जो नंबर निकल के आया वो कितना निकल के आ गया यहां से 600 आंसर, ठीक है। तो ये क्या है आपकी कैलकुलेशन को कम करने का, यहाँ पे मैंने आपको बताया किस तरीके से आप कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास वो लंबा मेथड है, उस नंबर का क्या करोगे आप पहले निकालोगे वही 25% से रिड्यूस हो रहा है, मतलब 0.75 रह गया, फिर ये नंबर बना, ये नंबर क्या है आप इसको इंक्रीज करोगे 25% से तो ये 1.25 हो जाएगा, फिर एक नया नंबर बनेगा, फिर इस नंबर का करोगे आप 20% से डिक्रीज करोगे तो वो कितना बचेगा 0.80 बचेगा, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे मतलब 800 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपके पास आंसर आएगा
वो 600 आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, तरीका मैंने आपको दोनों समझा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 5 है और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वोटिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटकर है। तो देखिए एक इलेक्शन है जहाँ पे क्या है, दो कैंडिडेट है खाली। जो लूजिंग कैंडिडेट है वो 48% ऑफ टोटल वोट लेता है। मान लो भी टोटल वोट कितने हैं, 100 टोटल वोट हैं। अगर टोटल वोट जो पड़ रहे हैं वो 100 हैं, तो 100 में एक हारने वाला है, एक जीतने वाला है। तो जो हारने वाला है वो जो टोटल वोट का कितना है, 48%, मतलब मान लिया इसको 48% वोट मिलते हैं, ठीक है, अगर ये 100% मान लिया चलो। तो और हिज अपोनेंट गॉट 6000 वोट मोर एंड वन बाई अ मार्जिन ऑफ 3%। तो ये अगर दो कैंडिडेट हैं और अगर 3% का मार्जिन है, इसका मतलब क्या है कि जीतने वाले को कितने मिले होंगे, जीतने वाले को 3% ज्यादा ही मिले होंगे, ठीक है। तो ये कितना रहा होगा, ये 51% रहा होगा। ये बात भी हमें क्लियर होती है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट। तो अब आप देखो कि भाई जीतने वाला 51% लेके आ रहा है और हारने वाला 48% वोट ले रहा है, इसका मतलब ये 99% वोट हुए। तो ये 99% तो मेरे पास कौन से हैं, ये वैलिड में से क्या होता है, जीत और हार तय होती है। तो जो रिमेनिंग रह गए 100 में से हमारे पास जो 99 निकाल दोगे तो कितना बचा, 1%। तो ये 1% वोट ही तो क्या है हमारे पास, इनवैलिड है। अब हमें क्या निकालना है, इन 1% की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आसान, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दे रखी है, 6000 वोट की वैल्यू 3% है। तो 3% की वैल्यू यहाँ पे 6000 वोट दे रखी है। तो भाई 1% की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 6000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना जाएगा, 2000। तो 2000 वोट क्या हो जाएगा, वो क्या है, इनवैलिड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और अगर आपसे पूछता टोटल वोट, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 20 चिपकाते हैं, यहाँ 20 चिपकाते हैं, तो कितना जाता, 200000, 50 लग जाते, 4-5, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए जिनका भी एग्जाम है, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई है। तो ये क्या होगा, आपका बोर्ड मास रूल पे बेस्ड होता है, ठीक है। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो 2/3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, 3/1 माइनस का 1, ये वैल्यू है। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 - 1 कितना बचा, 1। मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कितना बन गया, 1 बन गया। अब देखो मेरे पास इक्वेशन रह गई 3/4, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड चलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस का 1/3, 9/5, और ये कितना था, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से ये 3 टाइम चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, 9/5 माइनस का 3/5, और ये कितना हो जाएगा, 6/5। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 6/5, जो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये आपका क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, कल भी मैंने आपको बताया था रिलेटिव स्पीड के बेसिस पे, तो ये वही क्वेश्चन है। एक ट्रेन है जो 130 मीटर लंबी है और उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 120 किलोमीटर पर आ रहा है, मैंने S1 बोल दिया। वो एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है जो 140 मीटर लंबी है और सेम ही डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और उसकी कुछ स्पीड रही होगी, सपोज करो S2 रही होगी, और 27 सेकंड में उसको पास कर देती है। मतलब क्या है कि हमारे पास जो स्पीड है वन वाली ट्रेन की वो ज्यादा है, तभी क्या हो रही है, इसको पास कर पा रही है। स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, ऑप्शन हमारे पास किलोमीटर पर आर में। तो जो मेन यहाँ पे है वो क्या है, यूनिट का खेल रहेगा, ठीक है। अब आप देखो, आप रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट जानते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, जो टाइम ऑफ पास होता है या मीटिंग टाइम होता है वो क्या होता है, जो भी टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई जो भी रिलेटिव स्पीड है। अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो क्या होती है, रिलेटिव स्पीड आपकी डिफरेंस लेते हैं, अगर अपोजिट होती है तो ऐड होती है, ये हम लोगों को पता है। तो देखो यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, 27 सेकेंड। तो 27 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो 130 मीटर तो उसकी लंबाई है, 140 मीटर उसकी लंबाई है, डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस, ठीक है, S1 - S2। अब देखो ये क्या है, सेकंड में है और ये क्या है, मीटर में है। तो हमारे पास S1 - S2 की वैल्यू 270 डिवाइडेड बाई 27
ये क्या आएगी मीटर पर सेकंड में, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। तो S1 माइनस S2 की वैल्यू क्या आई 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तभी क्या होगा हम लोग कैंसिल कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास किसमें दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। तो 10 को अगर मीटर पर सेकंड को मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं क्या करूंगा इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बात आपको समझ में आती है, तो यहाँ से ये 2 टाइम चला जाएगा। तो S1 माइनस S2 कितना आ गया 36 आ गया। S1 की वैल्यू 120 दे रखी है, 36 इधर आ जाएगा तो इधर S2 आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन में लास्ट जो डिजिट है वो 4 और ये भी क्या है 84, तो 84 किलोमीटर पर आर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझते हैं ना, ये चीज तो समझ में आई ना कि किस तरीके से मैंने कन्वर्ट किया है। भाई ये तो आपके पास एक सिंपल सा रूल है क्या, कि अगर हमें किलोमीटर पर आर में जाना है, किसमें मीटर पर सेकंड में जाना है, तो बड़े से आप छोटा जा रहे हो, तो जब छोटा जाओगे तो उस केस में क्या करोगे आप 5/18 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। और अगर आप छोटे से बड़े में जाओगे तो आप 18/5 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर पर, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो यही हमने क्या किया किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर बनाने में हमने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा रहता है 8। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन इसके हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 8 ईयर्स एगो अश्विन एज वॉज 1 ईयर लेस देन 3 टाइम्स अर्पित एज। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, 6 ईयर्स एगो अश्विन एज वॉज 1 ईयर मोर देन द 2 टाइम्स अर्पित एज। चलो व्हाट विल बी द अर्पित एज आफ्टर 7 ईयर्स, इसका मतलब क्या है कि 7 साल बाद की बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक इक्वेशन मेरे पास बन रही है कि 8 साल पहले की कहानी क्या रही होगी। तो अगर मैं 8 साल पहले निकलता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि जो यहाँ पे ये अर्पित है इसकी एज सपोज करो मैंने क्या मान ली एक्स मान ली, ठीक है अपने उसके लिए, तो 8 साल पहले, 8 साल पहले जो अर्पित की एज रही होगी वो एक्स साल थी। ठीक है, अर्पित की एज कितनी थी 8 साल पहले, वो कितनी थी एक्स ईयर थी। चलो तो अगर अर्पित की एक एक्स ईयर है तो उस टाइम पर अश्विन की एज क्या रही होगी, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे साफ साफ लिखा है अश्विन की एज 1 ईयर लेस है 3 टाइम्स ऑफ अर्पित एज, तो 3 टाइम्स ऑफ अर्पित एज 3x हो गया और 1 साल छोटा है तो -1 हो गया। तो ये क्या है 8 साल पहले की अर्पित और अश्विन की एज है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि भी आज के तारीख में प्रेजेंट कंडीशन में अर्पित की एज और अश्विन की एज क्या होगी, तो आप कहोगे कि सिर्फ उस केस में अर्पित की एज में तो 8 साल जुड़ जाएंगे और अश्विन की एज में क्या हो जाएगा इसमें भी 8 साल जुड़ जाएंगे। तो 3x-1+8 करोगे तो ये कितना निकल के आ गया 3x+7। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो हमने यहां से क्या निकाल ली प्रेजेंट कंडीशन देख के निकाल ली, इतनी हमको समझ में आती है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एक लाइन और लिखी है कि 6 ईयर्स एगो, मतलब 6 साल पहले अश्विन एज वॉज 1 ईयर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ अर्पित एज। अब आप देखो कि आप प्रेजेंट टाइम से अब आप कहाँ जा रहे हो 6 साल पहले जा रहे हो, तो अगर मैं 6 साल पहले जाऊंगा इसका मतलब क्या होगी ये एज 6 साल घटेगी, तो अर्पित की जो एज है वो कितनी बोल रखी है वो टू, जो अश्विन की एज है, ठीक है अर्पित की नहीं जो अश्विन की एज है, अश्विन एज वॉज 2 टाइम्स ऑफ अर्पित एज, 2 टाइम्स ऑफ अर्पित एज और 1 साल ज्यादा है ना, ये तो लिखा है वॉज 1 ईयर मोर देन द 2 टाइम्स ऑफ अर्पित एज, तो इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे देखो अश्विन की एज आज 6 साल पहले क्या हुई होगी, तो अश्विन की एज ये है 3x+7, अब पहले जा रहे हैं 6 साल पहले तो ये हो जाएगा 3x+7 माइनस का 6, 6 साल पहले हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अर्पित। अब अर्पित की एज कितनी है 8x+8 और माइनस 6 कर दे और प्लस का 1, ठीक है तो ये हमारे पास बन जाएगी, अब इक्वेशन बन गई। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखो 3x+1 इज इक्वल्स टू 2x और ये बचेगा 2+4+1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास x बराबर 4। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4 आ गई।
इसका मतलब ये हुआ कि हमसे ये पूछा है 7 साल बाद, 7 साल बाद पूछा है भाई। आप देखो कि अर्पित की आज के टाइम में एज कितनी है ना, अर्पित की आज के टाइम में एज कितनी है, एक्स प्लस एट। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4 प्लस 8, मतलब ये तो 12 निकल के आई। अब हमसे क्या पूछा है कि 7 साल बाद क्या रही होगी, तो 12 में आप क्या कर दो, 7 और जोड़ दो, तो कितना जाएगा, 19 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा, 19 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा होगा और कैलकुलेशन भी आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसको सॉल्व करने की आप करिए कोशिश। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड कंप्लीटेड अ वर्क कॉस्टिंग रुपीज दिस, मतलब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स वर्क फॉर, यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है। एक्स 4 दिन काम करता है, वाई 6 दिन काम करता है और जेड 8 डेज काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, इनके दिन दे रखे हैं और जो उनको डेली बेसिस पे सैलरी मिल रही है ना, डेली सैलरी जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है भाई, एक्स को 5 मिलती है, तब उस केस में 6 इसको मिलेगी, उस केस में 7 इसको मिलेगी। तो एक काम करते हैं, रेशियो है तो काट लेते हैं, ये 2 से चला जाएगा, 2 3 जा, 2 4 जा, छोटा हो गया। अब देखो भी आपको अगर एक दिन में 2 रुपए मिलते हैं, सॉरी एक दिन में क्या मिलते हैं, 5 रुपए मिलते हैं और 2 दिन आप काम करते हो, तो 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया। एक दिन में आपको 6 रुपए मिलते हैं, तो 3 दिन काम करते हो तो कितना रुपए हो गया आपके पास, 18 हो गए। एक दिन में आपको 7 रुपए मिलते हैं और 4 दिन काम करते हो तो कितना हो गया, 28 हो गया। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे उन्होंने पैसे मिले होंगे। अब ये फर्दर रेशियो है तो इसको और छोटा कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 5 टाइम चला जाएगा, ये 9 टाइम चला जाएगा और ये 14 टाइम्स चला जाएगा। ये हमारे पास फाइनल रेशियो निकल के आया किसका, जो इनमें मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, फाइनल सैलरी। अब इसको अगर मैं टोटल देखूं तो ये टोटल कितना है, 5 प्लस 9 14, मतलब कितना हो गया, 28। ये टोटल कितना है, 28। और ये 28 जो है वो किसके इक्वल है, वो यहाँ पे हमें दे रखा है 4480 के, 4480 के। तो हम यहाँ से क्या करते हैं भी, यहाँ पे आप चाहें तो इसको x मान के कर लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जब इसको x किया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4480 / 28। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो जब इस काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 28 से ही काटते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, इसको पहले 7 से काट लेते हैं, तो 7 4 जा हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा, 7 6 42, फिर 28 बचा तो 40, फिर 4 से काटूंगा तो 4 1 जा, 4 फिर कितना हो जाएगा, 24 6 जा, 160। एक्स की वैल्यू 160 निकल के आई। तो हमसे क्या पूछा था, हाउ मच मनी विल एक्स गेट, तो एक्स को कितने पैसे मिल रहे हैं, 5x मिल रहे हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दो, 160 से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 800, 800 रुपीज को जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं इसको हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। और ये आपका क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए आपके पास क्या बोला हुआ है कि फ्रेगनेंस है, तो हमारे पास एक वर्ड है यहाँ पे, FRAGRANCE, और इसको इन्होंने लिखा हुआ है ESZHQBMDD। तो आपसे पूछा हुआ है कि एक्सीलेंस को कैसे लिखेंगे, एक्सीलेंस को कैसा लिखा जाएगा। अब इसके लिए क्या होना चाहिए भी, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, ABCD बना के देखोगे। तो तरीका तो वही है कि वैल्यू याद हो तो अच्छा अच्छा है भाई। एफ के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 होती है, आर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 18, और ये हमारे पास ए के करस्पॉन्डिंग 1 हो गई, जी हमारे पास 7 होता है, आर हमारे पास फिर 18 हो गया, ये 1 हो गया, ये 14 हो गई, ये 3 हो गई, ये 5 हो गई। इसके देखें तो यहाँ पे क्या है, 5 है, फिर एस की वैल्यू कितनी, देखो T20 होता है ना, PQRST, तो ये हो गया 19, फिर ये है 26, ये हमारे पास है 8, ये हमारे पास है 17, फिर ये बी बी हमारे पास होता है 2, ये होता है 13, ये होता है 4 और ये भी 4। अब आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है। देखो 6 से क्या हो रही है, एक वैल्यू कम हो रही है, फिर 18 से एक वैल्यू बढ़ गई, फिर क्या हुई, कम हुई, फिर क्या हुई, बढ़ रही है 1 से, फिर 1 से कम, फिर 1 से बढ़ रही है।
फिर एक से कम हुई, फिर एक से बड़ी, फिर एक से कम हुई, तो ये एक पैटर्न है तो फॉलो होगा। तो इसका मतलब 5 है, x का मतलब कितना हुआ 23 हुआ, ठीक है, u v w x y z, हाँ ठीक है, इसका 3 हुआ, इसका 5 हुआ, और हमारे पास क्या होता है अभी l e f g h i j k l, 12 12 5 13 14, फिर हमारे पास ये 3 हो गया, फिर ये हमारे पास 5 हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपके पास घटेगा, तो घटेगा तो मतलब d आएगा, फिर क्या होगा एक से बढ़ेगा मतलब 24, 24 का मतलब कितना हो गया y हो गया, फिर घटेगा, फिर दो, घटने का मतलब दो, दो का मतलब b, तो डी वाई बी डी वाई बी डी वाई बी, ठीक है। तो देखो कि f, चलो और चेक कर लेते हैं, फिर ये बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा मतलब f हो जाएगा, फिर घटेगा 11, और 11 का मतलब क्या होता है k होता है, फिर क्या होगा माइनस, फिर ये प्लस, ये 13, 13 का मतलब क्या हो गया m, ठीक है। तो बी एफ के एम, बी एफ के एम, बी एफ ये कट गया, बी एफ के एम, चलो अभी चल रहा है, फिर ये माइनस का हो जाएगा, फिर डी आएगा, फिर ये प्लस का हो जाएगा 15, और 15 का मतलब क्या हो गया हमारे पास ओ हो गया, ठीक है। तो डी ओ, तो डी ओ मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये डी के बाद पी आया, ये नहीं हो सकता, डी के बाद क्यों नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, वो रहा ये, ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 11, और ये 11 क्या है आपका पास, साइंस है या फिर इसको बोल सकते हैं केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। एल्यूमिनियम सरफेस आर ऑफन एनोडाइज्ड, इसका मतलब है द डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ, तो अगर एल्यूमिनियम की सरफेस को एनोडाइज किया जा रहा है, इसका मतलब ये है, इसमें क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है ये, हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। एनोड का मतलब क्या हुआ, एनोड का मतलब पॉजिटिव, एनोड का मतलब पॉजिटिव, और कैथोड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, कि ये हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक एक सपोज करो मेरे पास क्या है कि कोई मेटल है, इसके ऊपर क्या कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से इसकी सरफेस को क्या कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि क्या हो सके भी इस पर जंग वगैरह ना लग सके, रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या हो सकता है इसको डेकोरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम सरफेस को करूंगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लेयर चढ़ेगी वो किसकी बनी होगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की चढ़ी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम सरफेस आर ऑफन एनोडाइज, इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है। और एक बात और बता दूं कि जो एल्यूमिनियम की जो वेल्डिंग करना होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, क्यों होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो फ्री सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होती है, हमेशा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उसके ऊपर लेयर रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको वेल्डिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज क्या रखिएगा, पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये हमारे पास भी केमिस्ट्री से है क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन्स क्रोमियम, तो देखो यहाँ पे क्या है, स्टील, अगर स्टील की बात करें तो स्टील में क्रोमियम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर हम क्या करें, क्रोमियम की खासियत क्या है, क्रोमियम की खासियत ये है कि ये क्या करता है, उस मेटल को क्या कर देता है, कोरोजन रेजिस्ट बना देता है, मतलब क्या है कि जंग रहित, ठीक है, जंग रहित मतलब क्या है कि उसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक है, जंग नहीं लगेगा। तो क्रोमियम क्या है, स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस, स्टेनलेस का मतलब भी क्या होता है, जंग रहित, मतलब क्या है कि उसमें जंग नहीं लग सकती। और क्रोमियम का काम क्या है, क्रोमियम का काम यही होता है। तो ध्यान रखिएगा कि क्रोमियम में क्या है, आपका स्टेनलेस स्टील में यूज होता है, तो स्टेनलेस स्टील में क्या होती है, क्रोमियम की क्वांटिटी होती है लगभग 10.5% आपको क्रोमियम देखने को मिलता है, उसके बाद उसके अलावा क्या होते हैं, अदर्स एलिमेंट्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखिएगा कि ब्रास, ब्रास किस चीज से मिलके बना हो, और एक में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ब्रास या और ब्रॉन्ज में, ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है कि कॉपर तो दोनों में रहता है, कॉपर तो दोनों में रहता है, लेकिन जिंक किस में होता है और टिन किस में होता है। तो देखो जिसमें जेड आ रहा है ना, उसमें वो जेड नहीं आता, मतलब कॉपर में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे जिंक होगा, और कॉपर के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टिन होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाकी कोई और पॉइंट आएगा तो आपको ध्यान रखेंगे। ऐसे जर्मन स्टील, जर्मन सिल्वर होता है, तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर नहीं होता, उसमें कॉपर, जिंक और निकेल होता है, किसमें,
जर्मन सिल्वर में। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आप क्या रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और ये आपके पास क्या है, एक साइंस से ही क्वेश्चन है। नेम द बैक्टीरिया दैट कॉज इज डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री यहां से कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, तो डिसेंट्री यहाँ पे क्या है, एक आपके पास बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, शिंगेला। ठीक है, तो ये हमारे पास ध्यान रखिएगा, शिंगेला, शिंगेला टाइप का आपके पास ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, डिसेंट्री होती है। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हो कि विब्रियो कॉलरा, तो ये क्या है हमारे पास, ये तरीके से जो कॉलरा डिसीज है, ठीक है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये किसके लिए है, जो टीबी की जो बीमारी होती है, ये क्या है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 13 हो गया, हाँ 14 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। हु वॉज द ऑथर ऑफ नील दर्पण, तो नील दर्पण की यहाँ पे बात करते हैं। तो नील दर्पण में क्या है, आपके पास एक प्ले था, ठीक है, एक प्ले था जो यहाँ पे दीन बंधु मित्र ने यहाँ पे ये लिखी हुई है, नील दर्पण। और ये उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब जब बात चल रही है ये 1859 की टाइम की बात चल रही है, उस टाइम पे क्या था, इंडिगो की कल्टीवेशन बहुत कराते थे, ठीक है, ब्रिटिशर थे, और उस टाइम पर क्या थी, नील की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी यूरोपियन मार्केट में। और इसलिए क्या होता था, ये फार्मर्स को क्या करते थे, फोर्सफुली उनके खेतों पर क्या करते थे, नील की खेती कराते थे। तो उसी को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, मतलब दीन बंधु मित्र ने यहाँ पे क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी, या फिर क्या कह सकते हैं, एक प्ले है जिसका नाम है यहाँ पे नील दर्पण। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी सुभाष चंद्र बोस की आप एक किताब रख सकते हैं, द इंडिया स्ट्रगल, द इंडियन, एक किताब तो ये रही इनकी जो एक पॉपुलर बुक है, और दूसरी है हमारे पास द कॉल ऑफ मदरलैंड, द कॉल ऑफ मदरलैंड। ठीक है, तो आप क्या रख सकते हैं, ये दो बुक हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास, ठीक है, आपसे पूछता है देवदास बुक किसने लिखी है, तो इन्होंने ही लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी रामसर या फिर वेटलैंड साइट्स आर देयर इन इंडिया। एक अच्छा क्वेश्चन है, करंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि अभी क्या है हमारे करंट में एक और यहाँ पे क्या है, रामसर साइट जुड़ चुकी है, जो जिसका नाम है सो, है ना, सो कार वेटलैंड, और ये कहाँ पे है, ये लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा वाला है, ये 43rd नंबर, इसका मतलब क्या है कि टोटल कितने हैं यहाँ पे, 42। ठीक है, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे, 42 हैं, 42 तो ऑप्शन में नहीं है, एक सेकेंड, तो मुझको जो लगता है शायद आई थिंक 43 होने चाहिए। अच्छा चलो, ये मैं आपको कल बता दूंगा। और बाकी एक चीज और मुझे बताइए कि जो फर्स्ट रामसर साइट है इंडिया की, वो कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा चिल्का लेक, चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा। ठीक है, और दूसरी क्या है आपके पास, क्योल्दा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। तो ये क्या है आपकी फर्स्ट जो रामसर साइट है इंडिया में, फर्स्ट रामसर साइट। ठीक है, और जहां तक मुझको लगता है इसका आंसर वैसे 43 होना चाहिए, फिर भी मैं आपको कल एक क्लियर करके बता दूंगा। चलिए अब स्किप कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और आपको बताना है, देखो एक स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी से भी क्वेश्चन आता है, वॉकर कप। ठीक है, तो वॉकर कप किससे एसोसिएटेड है, ये आपका है गोल्फ से एसोसिएटेड है, वॉकर कप किससे है, गोल्फ से एसोसिएटेड है। क्या गोल्फ का कोई और जो मतलब पूछ सकता है, तो गोल्फ का आप लोग एक ध्यान रख सकते हैं, राइडर कप भी होता है, राइडर कप जो किसके लिए होता है, जो आपका बेसिकली मैन के लिए होता है। ठीक है, बाकी तो टेनिस वगैरह तो आप देख सकते हो कि डेविस कप हो गया या विंबलडन हो गए, ये है, तो ये ट्रॉफीज है, तो एक ट्रॉफी से मैं देखता हूँ कि कुछ बना पाया तो आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
हु वॉज दी फादर ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, ये क्वेश्चन है। और हालांकि आप देख सकते हो करंट में भी रशिया भी काफी उसमें चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि उस टाइम पर रशियन रिवोल्यूशन जब हुआ था 1917 की बात आई थी, तो जो ये लेनिन है ठीक है, इनको भी क्या बोलते हैं, व्लादिमीर लेनिन बोलते हैं, ये बोल्शेविक पार्टी से बिलोंग करते थे और उस टाइम पर इनको फादर ऑफ रशियन रिवोल्यूशन बोला जाता है। तो 1917 की बात है। एडोल्फ हिटलर के बारे में हम लोग जानते हो, जर्मनिज्म जो नाजीवाद थे ना, तो ये कौन थे, एडोल्फ हिटलर थे। बाकी जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका से रिलेट करते हैं, ये वहां के क्या थे, एक तरीके से वहां के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। हु रिसीव्ड हिज नाइटहुड फॉर सर्विस टू मोटर स्पोर्ट इन दिसंबर 2021। तो ध्यान रखिएगा कि कभी आपके पास क्या आता है, अभी F1 रेसिंग से क्वेश्चन आता है ठीक है, तो इसमें एक आंसर मतलब अगर आपको समझ में आया तो आप आंख बंद करके लुईस हैमिल्टन लगा सकते हैं ठीक है। अदरवाइज ये है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन लुईस हैमिल्टन क्या है कि मैक्सिमम जो भी चैंपियनशिप होती है वो क्या कर रखी है, इन्होंने जीत रखी है विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे रेसिंग की बात हम लोग अगर कर रहे हैं ठीक है, Formula 1 जो रेसिंग होती है उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है। और एक चीज और है कि भाई ये किसकी साइड से खेलते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा आइडिया ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विद अ 43% ग्रोथ रेट विच स्टेट हैज टॉप द जीएसटी कलेक्शन इन दिसंबर 2021। तो किसने भी यहाँ पे टॉप किया है इसमें, तो ये क्या है आपका करंट का क्वेश्चन है 2021 के अकॉर्डिंग, तो क्या है उस टाइम पर उड़ीसा ने क्या किया था, उस टाइम पर टॉप किया था, ये चीज क्या रखनी है आपको ध्यान रखनी है ठीक है। तो थोड़ा सा आप करंट भी देख के जाइए, बाकी कोशिश कर रहा हूँ। और क्या चीज है भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उड़ीसा से रिलेटेड, तो उड़ीसा से रिलेटेड एक तो नवीन पटनायक यहाँ के क्या है, सीएम है। तो नवीन पटनायक कौन है, यहाँ के सीएम है। और क्या चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक टी सेतु ठीक है, एक टी सेतु बनाया गया है महानदी के ऊपर, महानदी जो रिवर है उसके ऊपर एक यहाँ पे क्या बनाया गया है, एक जो लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया है, स्टेट का लॉन्गेस्ट, ध्यान रखिएगा स्टेट का लॉन्गेस्ट क्या है, ये ब्रिज है, उसका नाम है टी सेतु, वो भी कहाँ पे, महानदी के ऊपर बनाया गया है और कहाँ पर है, उड़ीसा पे ही है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अब कहना जैसे सुनामी हो गई या फिर कोई अर्थक्वेक आता है या फिर कोई आइलैंड में कोई वॉल्केनो फट गया है, तो उसके भी क्वेश्चंस करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डेडली वॉल्केनो दैट इरप्टेड ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा इन दिसंबर 2021। तो इसका आपको क्या नाम बताना है, इसका आपको नाम बताना है, तो इसका नाम है आपके पास सिमेरू ठीक है। कहाँ पर है ये, इंडोनेशियन आइलैंड है, जावा में क्या हुआ था ये। अब आपको ये भी पता है कि तीन टाइप के वॉल्केनो होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, एक आता होता है आपके पास डोरमेंट, और एक होता है आपके पास एक्सटिंक्ट। तो एक्टिव की बात करें मतलब क्या है कि जो हाल फिलहाल में क्या हुआ है, मतलब जो इरप्ट हुआ है या दोबारा से हो सकता है वो मतलब एक्टिव है। डोरमेंट का मतलब क्या है, डोरमेंट का मतलब ये है कि बहुत टाइम से वो क्या है, इरप्ट नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो कि जो जापान का एक है आपके पास वॉल्केनो जिसका नाम है फुजियामा, तो ये कहाँ पे है, जापान में। तो ये क्या है, एक डोरमेंट काइंड का है ठीक है। और रही बात एक्सटेंट की, तो एक्सटेंट का मतलब क्या है, कोई चीज खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, मतलब फ्यूचर में भी उसको वो नहीं आ पाएगी। तो ये आपके पास क्या होता है, यहाँ से जीएस का पोर्शन खत्म होता है। अब यहाँ से आपके पास इंग्लिश के शुरू हो जाते हैं, तो इंग्लिश में आप लोग देखिएगा आपको क्या बताना है यहाँ पे, एंटोनिम। तो मैंने आपको बताया था कि एंटोनिम में क्या है आपके पास ठीक है, ये आपके पास 1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया। तो एंटोनिम से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हुए, तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो आपको बताना है कि अपोजिट क्या होगा, तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास निकल के आ रहा है वर्ड है वो है प्री वेरिकेट। तो प्री वेरिकेट है, और ये क्या है, इसके एसोसिएटेड ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका अपोजिट होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्री वेरिकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज क्या होती है, हम लोग सच मतलब क्या होता है ना कि हम चीज सोच रखी है पहले से कि हमको वो चीज नहीं बतानी है, मतलब पहले से हमने डिसाइड कर रखा है, प्री डिसाइडेड है कि
कि हम उस बात को नहीं बताएंगे और हम क्या करेंगे उसके आसपास घुमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे मतलब सिंपली मैं बोलूं कि टू अवॉइड टेलिंग द ट्रुथ। ठीक है, सिंपल। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर हम अपोजिट ये हो जाएगा कि हम लोग सच बोलने से बच रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस केस में क्या हो जाएगा कि हम लोग सच बोलेंगे, ये तो मतलब होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखो, इक्विवोकेट। इक्विवोकेट कहने का यहाँ पे मतलब है कि इसका मतलब क्या होता है, इक्विवोकेट तो ये वॉक के है ना, वॉक से बना हुआ है, मतलब क्या, बोलने से ही है। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्ड्स में क्या करेंगे, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मतलब डायरेक्टली मैं नहीं बताऊंगा, मतलब कह सकता हूँ ये क्या है, इसका सिनोनिम है, सिनोनिम है। उसके बाद देखो फैब्रिकेट। फैब्रिकेट क्या होता है, किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, वही मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फैब्रिकेट करके बताते हैं, तो वो भी क्या है, सिनोनिम में आ गया। अब मेरे पास जो अगला वर्ड आता है वो आता है इवेड। तो इवेड का मतलब क्या होता है कि हम लोग बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, मतलब एस्केप करने की कोशिश करते हैं, इवेड करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी क्या है, सिनोनिम है। तो एक ही यहाँ पे वर्ड मेरे पास जो रह गया है वो कौन सा रह गया है, एजेविरेट। और ये क्या है, ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमें बताना है इसका एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है बिल्यूस, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मतलब कोई बैड टेम्पर है, हैबिचुअली हम उसको शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई भी बैड टेम्पर है उसको हम लोग हैबिचुअली शो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्यूस बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या चीज हमारे पास, हमें कुछ सुना सुना सा लग रहा है। एक तो मैंने सुना है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज क्या होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, कोई चीज क्या होती है, बहुत जल्दी वर्स हो जाती है, खराब हो जाती है, उसका मतलब क्या होता है, रैम्पेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो पीविश भी सुना सुना सा लग रहा है कि जनरली क्या होता है, हमारा मूड एकदम से खराब हो जाता है या फिर हम लोग टेम्पर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपके पास है। और बिलियस का मतलब क्या बताया था कि हैबिचुअली क्या होता है, खराब व्यवहार जो होता है वो क्या है, बिलियस ही होता है। और फिर हमारे पास एक वर्ड और आता है ग्रोजी। तो ग्रोजी, ग्रोची, ग्रोची का मतलब भी क्या होता है, आप क्या करते हो, आसानी से इरिटेट हो जाते हो। तो इजिली क्या हो जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीनों क्या है, आपस में सिनोनिम हो गए, किसके, इसके। हमसे पूछा था एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या बच्चा हमारे पास, एग्जुबेरेंट। एग्जुबेरेंट क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कह सकते हैं कि मतलब खुशी है ना, खुशी, कोई चीज का खुशी है, किसी चीज का उत्साह है, तो वो क्या है, एग्जुबेरेंट है। बाकी क्या है आपके पास, बिल्यूस, रैम्पेंट, ग्रोची, पीविश, ये क्या है, सब सिनोनिम्स में आते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश का, वो है यहाँ पे डिप्राइव। तो डिप्राइव मतलब क्या है, किसी चीज से वंचित करना, है ना, आपने सुना होगा डिप्राइव ऑफ समथिंग, ये सब चीजें। तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब किसी से वंचित होना है या फिर कोई चीज क्या है, डिप्राइव कर दी गई है, मतलब कह सकता हूँ कि कोई चीज सफर हो रही है, मतलब लैक ऑफ बेसिक मटेरियल से कह सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसका कि अपोजिट वर्ड क्या है। पहले बात क्या है, यहाँ पे बैंकरप्ट लिखा हुआ है, तो बैंकरप्ट का तो मतलब क्या हो गया, दिवालिया हो गया, मतलब जो लॉफुली क्या हो जाए, मतलब इसको घोषित कर दिया जाए कि वो अपना जो भी कर्जा है उसको नहीं कर सकता पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो इसका कुछ इससे लेना देना नहीं है, तो मतलब ये कह सकता हूँ कि डिप्राइव्ड होना है और वंचित होना है, दोनों एक ही जैसे हो गए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे डाइवर्स्ट। डाइवर्स्ट तो डाइवर्स्ट क्या है, ये भी क्या है, किसी चीज से वंचित रहना, किसी चीज से वंचित रहना, मतलब कोई चीज ना मिल पाना, ये भी क्या है, सेम ही मीनिंग है इसका। फिर डिस्पोजेस, तो डिस्पोजेस का भी मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, मतलब किसी चीज से वंचित रहना, कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब क्या होता है, कोई चीज आपके पास, कोई चीज अमाउंट में होती है, ज्यादा अमाउंट में होती है या फिर फल फूल रही होती है, तो वो क्या होता है, प्रॉस्पेरस होता है ना, बोलते हैं ना विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। तो वही क्या है, उसी से बना हुआ है कि आपको बहुत सारी खुशी मिलती रहे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एंटोनिम्स हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें ये करना है सिनोनिम बताने। तो सिनोनिम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आता है इनिशिएट करना। तो इनिशिएट मतलब क्या होता है, भी कोई चीज क्या करते हो, आप स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करते हो मतलब बिगिन करते हो, ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। लीड करना, कोई चीज क्या होती है, लीड करी जाती है ना। और गाइड करना, गाइड करते हो। एनलाइटेंड मतलब किसी को आप क्या करते हो, रास्ता दिखाते हो, तो ये तो आपके पास क्या है, एक आसान सा है, तो ये तो सिनोनिम हो गया आपके पास। अगला आता है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का देखो भी क्या होता है, एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, भाग जाना। ठीक है, बिना बताए किसी को एकदम से तेजी से भाग लेना।
और फिली का मतलब भी क्या होता है, फिली फिली का मतलब भी क्या होता है, भाग जाना। इसका मतलब क्या, ये भी एक आसान क्वेश्चन है हमारे पास, एब्सोंड को जाता है फिली और कम एविक्ट और रिमेन, ठीक है। तो ये तो आप लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब फिली हो गया इसका आंसर। डिलेमा, तो डिलेमा क्या है हमारे पास, डिलेमा एक कंफ्यूजन क्रिएशन प्रॉब्लम है ना। जब कभी भी आप कंफ्यूज होते हो तो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या उस केस में। तो डिलेमा का कह सकते हैं यहाँ पे जो सही सिनोनिम निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पे वैसे कंफ्यूजन होता है लेकिन यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास 6 हो गए, 7, 8, 9। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास यहाँ पे स्पेलिंग की बात करता है कि इसमें से बताना है आपको कौन सा मतलब स्पेलिंग सही नहीं है। तो ए बी सी डी इनकरेक्टली, तो देखो डीप आपने सुना है गहरा होता है, सिली मतलब सोना होता है, और ही मतलब क्या होता है जो कचरे वचरे का ढेर होता है, और वी वी मतलब रोना तो होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या होती है, डब्ल्यू डबल ई पी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिग्रेशन, वेबसाइट, करियर या कैरियर। देखो करियर की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, कैरियर की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, कॉन्फिग्रेशन की बिल्कुल ठीक है, लेकिन वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है, डब्ल्यू ई बी एस आई टी, आपके पास क्या होती है, वेबसाइट की स्पेलिंग होती है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, अचीव, अचीव अपरेंटली बिगिनिंग या बिजनेस, बिजनेस की स्पेलिंग ठीक है, बताओ, बिल्कुल ठीक है, बिजनेस की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, बिगिनिंग बी आई बी ई जी आई डबल एन आई एन जी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है, अपरेंटली, अपरेंटली भी ठीक है। अब अचीव की बात कर लेते हैं, तो अचीव की स्पेलिंग क्या होती है, अचीव की स्पेलिंग तो ये लिखी जाती है, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये गलत हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको बताना है यहाँ पे कि इसमें से कौन सा, ये जो अंडरलाइन है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज नो सब्स्टिट्यूशन। वेयर आर यू, अब देखो आर है, आर का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस बता रहा है, और कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज चल रही है तो उसके साथ क्या होती है, वर्ब की आई एन जी फॉर्म लग जाती है फर्स्ट के साथ। तो वर्ब की, अब स्टूड तो क्या है यहाँ पे, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो आपको आई एन जी ढूंढना है, तो आई एन जी कौन सा मिल रहा है मेरे पास, एक ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज स्टैंडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर एट दिस लेट आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द पिलग्रिम्स वर फाइंड देम 1,000 rupees ईच फॉर लिटरिंग अराउंड दिस श्राइन, ठीक है, मतलब जो पिलग्रिम्स हैं वर फाइंड देम। अब देखो थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा, पहली बात क्या है, वर तो चलो ठीक है, वर फाइंड तो ठीक है, लेकिन देम क्यों लगा रहे हो भाई, आप पिलग्रिम्स को ही फाइंड दे रहे हो और इन्हीं पे आप क्या लगा रहे हो, देम लगा रहे हो, मतलब क्या है कि ये तो एक तरीके से रिपीटेशन हुआ, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपरफ्लस, मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है बट आप अननेसेसरी क्या कर रहे हो, उस चीज को डालने की कोशिश कर रहे हो। द पिलग्रिम्स वर फाइंड, वर फाइंड ओके, मतलब ऑप्शन डी मेरे बिल्कुल ठीक है, द पिलग्रिम्स वर फाइंड 1,000 rupees ईच फॉर लिटरिंग अराउंड द श्राइन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 पे आ जाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे 2 by C D। I went the market buying few vegetables and milk। अभी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो ये few, तो few यहाँ पे क्या है आपके पास, जो चीज आप काउंट कर सकते हो, few क्या है, जो चीज आप काउंट कर सकते हो उसके साथ आपके पास यूज में आता है few, और एक हमारे पास होता है सम। तो सम क्या होता है हमारे पास, एक तो काउंटलेस, और साथ ही साथ क्या है, जो काउंटेबल या अनकाउंटेबल चीज हो उसके साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं। इसका मतलब तो ये समझ में आता है कि सम वाला तो आएगा, मतलब टू वाई नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आप सम और सम की बात कर लेते हैं, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलिए तो ये क्या बोल रहा है, आई वेंट टू द मार्केट बाइंग, अब बाइंग सम वेजिटेबल मार्केट या फिर टू बाई, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, टू बाई सम वेजिटेबल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, और बस दो क्वेश्चन और हैं, पेशेंट बना के इसको देखिए। The recruits were put through a week of dash endurance test. Endurance test का मतलब क्या है,
कि कोई चीज बहुत लंबे समय से क्या हो रही है, चल रही है, मतलब थकी हुई नहीं है ना, थकी हुई नहीं है बेसिकली। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो द रिक्रूट्स पर पुट थ्रू अ वीक, मतलब एक हफ्ते से लगातार क्या कर रहे हैं, अभी एंड्योरेंस टेस्ट दिए जा रहे हैं, मतलब क्या है, बिल्कुल थके हुए, बिना थके हुए क्या कर रहे हैं, लगातार अपना काम किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो पेनलेस, तो भी अगर थक रहा है तो कोई मतलब पेन लेस कैसे हो सकता है, ठीक है, तो पेनफुल होगा इसका मतलब। एफर्टलेस, भाई एफर्ट तो लगा रहे हैं, मतलब ये भी गलत हो गया। रिलैक्स कैसे हो सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन बच गया मेरे पास, और वो क्या बच गया यहाँ पे, ग्रोइलिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो, डेथ स्टूडेंट्स कॉमनली फाइंड देमसेल्व्स इन डेब्ट आफ्टर ओवर इंडल्जिंग इन द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब, अगर ये मतलब कुछ स्टूडेंट क्या हो गए, अभी इसमें बुरी तरीके से कर्जे में फंस गए हैं, ओवर इंडल्जिंग इन द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब देखो, वेल्दी स्टूडेंट होंगे, भाई वेल्दी होंगे तो फंसेंगे क्यों, प्रोस्पेरस होंगे तो क्यों फंसेंगे, भी रिच होंगे तो क्यों फंसेंगे, मतलब एक ही ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, वो आ रहा है इम्पैशनेस। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, द न्यूली इलेक्टेड मिनिस्टर विल वर्क हार्ड डैश पॉलिसीज दैट हैड अ नेगेटिव इफेक्ट। अब एक ऐसी पॉलिसीज जो क्या है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट है, और जो नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि जिसका नेगेटिव इफेक्ट है वो क्या हो सके, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके, लागू हो सके, तो वैलिडेट करने के लिए, परमिट करने के लिए, अलाउ करने के लिए। देखो, अलाउ टू अलाउ, पॉलिसी अलाउ नहीं होती, परमिश भी नहीं होगी, बड़ी मुश्किल से हो रही है ना। एनुअल का मतलब क्या है कि कोई चीज क्या होती है, बहुत ही मुश्किल से की करी जाने वाली है ना। मतलब मैं बोलूं कि द न्यूली इलेक्टेड विल वर्क हार्ड टू पॉलिश टू एनुअल द पॉलिसी दैट हैड अ नेगेटिव इफेक्ट, मतलब क्या है कि यहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है, बड़ी मुश्किल से हो रही है, मतलब कोई समझौता है, और उसका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा एनुअल। भाई वैलिडेट तो करेगा नहीं, परमिट भी नहीं करेगा, उसको अलाउ भी नहीं करेगा, है ना, कोई पॉलिसीज का नेगेटिव इम्पैक्ट है। चलिए, तो आज का भी सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ये आपका क्या था, मॉक टेस्ट 1 था। अब आपको जो कल हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट 2 की, तो आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलता रहेगा। बस आप चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर जरूर करें, कोई भी क्वेरीज आपको लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि रामसर साइट का, जहां तक मुझको लगता है 43 होना चाहिए या 44, तो मैं आपको वो कल सबसे पहले बता दूंगा। तो चलिए, वीडियो सेशन को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।